पाकिस्तान का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार। भारतीय हाई कमीशन को फैसले से आगाह कर दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारत के रवैये के पेश नजर दरखास्त मुस्तरद की। कौमी एहतसाब ब्यूरो के हाथों एक और बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने खुर्शीद शाह को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल। राहदारी रिमांड के बाद सखर मुंतकिल किया जाएगा। पीपी रहनुमा को आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार किया गया। मामले पर गौर के लिए बिलावल भुट्टो की जेर सदारत हंगामी इजलास। हमने किसी को एनआरओ नहीं देना। हमने इन्होंने जिस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, जो 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से आज ये महंगाई है। और ऑपोजिशन एनआरओ के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का दबंग ऐलान। तोरखम बॉर्डर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले लूटने वालों का एहतसाब होने तक मुल्क आगे नहीं चल सकता।